सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बैक टू माय चैनल लाइक्स बाय पियानो में। तो आज हम बार्बी रिटर्न फाइट सीन पियानो पर ट्यूटोरियल आ रहे हैं, जो कि आपके रिक्वेस्ट पे ले आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ये वॉक बैंड ऐप है, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपको पता है, किसी भी सॉन्ग को बनाने के लिए हम मल्टी ट्रैक सिंथ का यूज़ करते हैं। तो मल्टी ट्रैक सिंथ पे जाते हैं, और उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू सॉन्ग में जाना है, और आपको यहाँ पे बालवी नाम लिखना है अपना अपना कुछ, मतलब हम बालवी रिटर्न्स का बना रहे हैं, तो बालवी रिटर्न्स का ही नाम लिख देंगे। तो ये बालवी रिटर्न्स का नाम लिख दिया हमने, डन। सिग्नेचर आपको 4-4 रहने ही देना है। मेज़र आपको कितनी आपको लेंथ रखनी है, आपको कितनी आपकी जो सॉन्ग है वो कितनी लंबी है वो देखते हैं। हमारे जो हम बना रहे हैं बार्बी रिटर्न्स फाइट सीन में, तो कम से कम 40 तो होनी चाहिए मेज़र। और बीपीएम की मतलब ट्रैक की स्पीड 80 ही नॉर्मल है। ठीक है, अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिर प्लस में जाना है, अब आपको ड्रम पैड में जाना है, क्योंकि शुरुआती में हम ड्रम पैड का यूज़ करते हैं। ठीक है, बारहवीं रिटर्न्स में पहले हम ड्रम पैड में पहले क्या बजाते थे, कुछ इस तरीके के बजाते हैं। तो कुछ इस तरीके का म्यूज़िक आता है, आवाज़ आता है। ठीक है, जो कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, बार्बी रिटर्न्स फाइट सीन पियानो। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखी है, तो आप जाके मेरी वीडियो को देखें, तब आप मेरी ट्यूटोरियल देखना। ठीक है, तो मैं आपको इसको स्लो में अब बजा के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके बजाना है। तो अब इसको जैसे ही आप इसको बजा लोगे, तो आपको ये रेड डॉट दिख रहा है, आप इसको रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखा कि ये हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, और ये हमारा कीकास ड्रम है। और अगर आपके पास कीकास ड्रम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप रॉक ड्रम से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आप अब क्या करना है, फिर से आपको प्लस में जाना है। अब आपको इस बार कीबोर्ड में जाना है, और कीबोर्ड में आपको क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग की ज़रूरत। तो स्ट्रिंग की ज़रूरत होगा, और आपको C3 और B3 में जाना है, C3 और B3 में जाना है। तो पहला साउंड कैसा आता है,
वो कुछ इस तरीके का आता है। मैं आपको सारा जो भी है म्यूज़िक का है वो मैं आपको स्लो में समझाऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, कुछ इस तरीके का बजाना है। अब आप जैसे ही आप इसको बजा लोगे तो आपको इस ड्रम के साथ बजाना है, और यहाँ पे आपको रेड डॉट दिख रहा है, इसको फिर से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे रिकॉर्ड हो चुका है। अब इसके बाद फिर से आपको प्लस में जाना है, फिर कीबोर्ड में जाना है। अब आपको क्या करना है, इस बार आपको C4 और B4 के लाइन में जाना है और वही सॉन्ग बजाना है जो हमने बजाया था, ठीक है? और आपको इस बार स्ट्रिंग ही लेना है, ठीक है? तो रिकॉर्ड करते हैं इसको।
ठीक है, तो हमने इसको बजा लिया है, तो कुछ इस तरीके का ट्रैक आ रहा है, आपको बस इसको फॉलो करके बजाना है, तो कुछ ऐसा साउंड आता है। ठीक है, आप इसका ट्रैक वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए, बहुत इसका ज़्यादा साउंड है, तो इसलिए इसको कम कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी कम कर देते हैं। ठीक है, अब इसके साथ थोड़ा आपको थोड़ा ट्रम्पेट इसमें मिक्सअप करना है। ठीक है, तो आपको फिर से बजाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आपको फिर इस पे रेड डॉट पे रिकॉर्ड करके, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको इसको कट कर देना है। ठीक है, कट कर दो इसको, तो ये कट कर दिया मैंने, तो कट करने के बाद आपको इसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद इसको आप मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद अब आपको क्या करना है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, चेंज इंस्ट्रूमेंट में जाना है, और चेंज इंस्ट्रूमेंट के जाने के बाद आपको ट्रम्पेट में जाना है, ट्रम्पेट में जाएंगे। ठीक है, और इसका भी थोड़ा सा ट्रैक 98 कुछ 97 रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा, ये मिक्सअप हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लास्ट फिर से आपको प्लस में जाना है, कीबोर्ड और स्ट्रिंग ही रहने देना है आपको। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ यहाँ पे बजाना है, वो भी कुछ ऐसा साउंड आता है, 3 बार, फिर आपको G3 D4 G4 बजाना है साथ में। मैं बताता हूँ कहाँ पे बजाना है, पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो चुका है हमारा, तो ये था हमारा बालवी रिटर्न फाइट सीन पियानो पे ऊपर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप बालवी के फ़ैन हैं तो बिल्कुल इसको लाइक ज़रूर करना प्लीज़। और आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है, कि आपको और आगे कौन सा ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं वो भी लाऊंगा ज़रूर। ठीक है, तो ये हमारा बारहवीं फाइव सीन पियानो, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।